चलो बच्चों शुरू करें। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक हर बार पूछा गया है, किसी ना किसी तरीके से आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में भी आया है, आप लोगों के सब्जेक्टिव क्लोसेस में तो बहुत बड़े क्वेश्चन ही आए हुए कि 5 नंबर 6 नंबर तक के सवालों में आया हुआ है। तो आप लोगों का ये जो मैं टॉपिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसका पूरा नाम है प्रिंटर्स, तो हम लोग आज प्रिंटर्स पर बेसिकली बात करने जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को प्रिंटर्स के बारे में पूरा बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रिंटर्स से जुड़ा हुआ किस तरीके का टॉपिक रहता है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले देख लेते हैं, आज हमारी सेकेंड चैप्टर है या फंडामेंटल की सेकेंड क्लास है। उसको समझने के पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रिंटर्स किस तरह के सवालों में आया हुआ है, कैसे कैसे पूछा जाता है, तो आप लोगों को एक पूरा आइडिया लग जाएगा। देखिए आप लोग गूगल पे टाइप करिए, इस तरीके से गूगल खोल लीजिए और गूगल पे टाइप करिए नैलेट ओ लेवल पेपर्स, बस इतना लिख दीजिए नैलेट ओ लेवल पेपर्स। तो आपके सामने नैलेट ओ लेवल के देखिए ओल्ड पेपर सॉल्यूशंस आ जाएंगे, यानी ओल्ड पेपर्स आ जाएंगे। एक्चुअली सॉल्यूशंस तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी इसके सॉल्यूशंस आपको वेबसाइट में पड़े हुए हैं हमारी, तो जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं आप उससे पा पाएंगे ये सारे सॉल्यूशंस। तो आप लोगों को ये पुराने कई साल के पेपर्स इसमें दिखाई देंगे। तो इससे हमें साफ साफ ये क्लियर हो जाता है कि नैलेट की साइट पर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लास्ट ईयर के पेपर्स से काफी कुछ रिवाइज होता है, क्योंकि अब रिविजन नया आ गया, रिवाइज वर्जन नया आ गया है, तो हो सकता है कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन चेंज हो, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जरूर आते हैं। उन्हीं में से एक पेपर हम लोग उठाने जा रहे हैं और एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ये क्वेश्चंस या एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है प्रिंटर्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में। देखिए ये पेपर्स आ गए, ये रहा आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम्स, और आपको यहाँ पर पेपर दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। अब आप लोग थोड़ा सा नीचे ड्रैग करिए तो आपको हिंदी बिल्कुल ऐसा ही पेपर भी आना है, आप लोगों का नया भी आएगा तो इसी तरीके से आएगा। थोड़ा बहुत सिलेबस में जो चेंज है वो मैं आपको लास्ट मोमेंट पे जब क्लासेस खत्म हो रही होंगी तो मैं पूरा बताऊंगा, पेपर सॉल्व भी कराऊंगा। आज जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्यों अहमियत रखता है मैं उसी को आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो हम लोग प्रिंटर्स के बारे में आज बेसिकली पढ़ेंगे, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और ये किस तरीके के पेपर्स में कैसा कैसा आया है। एक चीज और, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने आईसीटी का टॉपिक लिया हुआ है जो कि R4 में कर रहे हैं, उनके उसमें एक फायदेमंद चीज ये है कि ये टॉपिक जो है प्रिंटर वाला ये दोनों में आता है, यानी कि M1 वाले पेपर में भी आता है और आपका R4 वाले पेपर्स में भी आएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए, ये आपको कई जगह मिलेगा। चलिए मैं आपको ये टॉपिक पूरा डिटेल में बताता हूँ, प्रिंटर्स क्या है, कैसे काम करते हैं, फिर जब क्लास खत्म होने को होगी तो फिर आप अपने सवाल पूछ पाएंगे, बीच में सवाल का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। एज यूजुअल क्लास रिकॉर्ड हो रही है और आप लोगों के व्हाट्सएप पे मैंने यूट्यूब का लिंक भी सेंड किया है, अगर आप में से कुछ बच्चे कंफर्टेबल नहीं है वो टेक्स्ट बेस्ड चैट करके बात करना चाहते हैं तो यूट्यूब से लिंक के थ्रू भी वो चैट कर सकते हैं, इट्स ओके। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटर टॉपिक को देखते हैं क्या क्या होता है। तो इतनी देर में आपको ये तो पता ही चल गया कि प्रिंटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, बिकॉज प्रिंटर का काम प्रिंट आउट निकालने का है, पेजेस को प्रिंट करने का होता है। और जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि प्रिंटर्स को हम लोग प्रिंट आउट के लिए यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको हम आउटपुट डिवाइस की कैटेगरीज में रखते हैं। लेकिन प्रिंटर को कई तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि वो कौन सा डिवाइस है जो कि आप लोगों की सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदले। तो सॉफ्ट कॉपी वर्ड का मतलब बच्चों होता है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है आपकी स्क्रीन पे जो फाइलों के फॉर्म में हो, जो डिजिटल फॉर्म में हो, जैसे आप लोग अभी जो देख रहे हैं ये वर्ड की एक फाइल है, इसे हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। तो ये सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है इसीलिए इसको हम सॉफ्ट कॉपी, लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट आउट निकाल के फिजिकल फॉर्म में ले आऊं, अगर इसको मैं फिजिकल फॉर्म में ले आऊं तो ये प्रिंट आउट निकल कर आ जाएगा और ये प्रिंटर की ये से ही पॉसिबल है और उसको हम लोग कहेंगे हार्ड कॉपी। तो दोनों का एक सिंपल सा मतलब है, सॉफ्ट कॉपी यानी कि जो फाइल के फॉर्म में कंप्यूटर में दिखता है वो सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन बच्चों, क्लासेस के दरमियान 40 मिनट्स के अंतर्गत आप लोगों का ये ऐप ऑफ होगा, बिना मेरे बोले आप लोग दोबारा लॉग इन हो जाइएगा, 15 से 20 सेकंड का पॉज होगा उस बीच।
अब चलिए देखते हैं हम लोगों का ये जो प्रिंटर है ये कैसे काम करता है, किस तरीके से होता है। तो प्रिंटर को हम ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। प्रिंटर एक है हमारे पास इम्पैक्ट और एक है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर का वर्ड का मतलब ही होता है एक ऐसा प्रिंटर जिसका राइटिंग हेड जो लिखता है वो हेड अगर पेपर को टच करे, छूजे, छू छू के लिखे, यानी कि घसीट घसीट के लिखे, तो इस तरह के प्रिंटर्स को हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर्स की श्रेणी में रखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स इत्यादि। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट वर्ड का मतलब ही होता है छवि, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिनका हेड पेपर को छूता ही नहीं, दूर से ही प्रिंट करता है स्प्रे की तरह। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग स्प्रे गन का इस्तेमाल करते हैं और स्प्रे गन से फिर आप लोगों की कोई भी अलमारी या कुछ भी पेंट करते हैं तो वो गन दूर से स्प्रे करती है, तो वो नॉन इम्पैक्ट का एग्जाम्पल है। और दूसरा, अगर आपके पास ब्रश है, पेंट ब्रश, तो आप टच करके लिखते हैं तो वो इम्पैक्ट का एग्जाम्पल है। इसमें आता है इंकजेट, लेजर और थर्मल। अब चलिए मैं आपको कुछ और अच्छे एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ मैंने आपके लिए एक पीडीएफ अरेंज कर रखी है, ये पीडीएफ आप लोगों के नोट्स में है। अगर आप लोग जाएंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में तो आपको ये ऑटोमेटिकली ये पीडीएफ यहाँ दिखाई देगी, आप लोग इसे अपने नोट से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल कर पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सेम वैसे ही पूरा लिखा हुआ है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है तो मैं आपको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में बताऊंगा तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए देखते हैं प्रिंटर्स के बारे में और अच्छे डिटेल से। तो प्रिंटर के बारे में अभी अभी इतना समझ आ गया कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, सॉरी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है और इसकी दो अलग अलग कैटेगरीज है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक, अब थोड़ा सा प्रिंसिपल समझते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर काम कैसे करता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहाँ से काम करता है। मैं आपको ये थोड़ा मल्टीमीडिया फॉर्मेट में दिखाता हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा। एक सबसे पहला प्रिंटर जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है उसका नाम है डीएमपी प्रिंटर, जिसका मतलब होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पूरा नाम है इसका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्यों कहा गया, इसका सीधा सा मतलब है ये हर चीज बिंदी बिंदी के फॉर्म में लिखता है। और ये हर चीज बिंदी बिंदी के फॉर्म में, इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि आप लोगों का बिजली का बिल हो गया, रेलवे टिकट्स हो गई, ये सब आप लोगों का पासबुक्स हो गई, ये सारे के सारे जो हैं ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही निकाले जाते हैं। एक चीज और आप लोगों को यहाँ फोटो में दिख रही होगी कि ये जो प्रिंटर आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रिंटर में देखिए साइड में वो वाला पन्ना यूज होता है जिसके साइड में गोल गोल छेद होते हैं, आपने शायद इस पन्ने को रफ कॉपी के लिए इस्तेमाल में लिया हो। और ये जो प्रिंटर्स हैं आपको दिख भी रहा होगा कि इस प्रिंटर में जो गोल गोल जो डॉट्स बने हुए हैं वो पेज को फंसाने के लिए यूज होता है ताकि पेज धीरे धीरे आगे खिसक सके। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर ऐसा क्या होता है कि इसमें हर चीज प्रिंट हो जाती है, चलिए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इसके प्रिंटर का हेड। मैं आपको इसे और डिटेल में दिखाता हूं थोड़ा और इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। जैसे डीएमपी प्रिंटर आपको दिखा दे रहे हैं कि ये किस तरह के, देख रहे होंगे आप लोग इस तरह की जो छपाई होती है बिंदी बिंदी करके, वो सारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकलती है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट कैसे करता है, बहुत ही सिंपल है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर यूज होता है एक रिबन, ये रहा रिबन जो आपके स्क्रीन पर अब आपको दिखाई देगा, ये रहा। आजकल बिजली वगैरह या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आते हैं घर पे प्रिंट करके देते हैं, उनके पास भी जेब में छोटा सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होता है। तो ये इस तरीके का रिबन होता है और इस रिबन के अंदर एक पतला सा कपड़ा लगा होता है और इसी कपड़े से प्रिंटिंग करना, यानी इसी कपड़े से वो छाप छोड़ता चलता है जिसकी मदद से प्रिंटिंग होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर ऐसी टेक्निक क्या है। ये तो चलिए एक बात आ गई कि आप लोगों को अगर वो देखना अंदर खोल कर, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक प्रिंटर है और उसके अंदर देखिए कितना घना रिबन्स है, ये एक तरफ से लिपटता हुआ जाता है और दूसरी तरफ से इकट्ठा होता रहता है। आपने कभी टंकण देखा हो टाइपराइटर, उसमें भी एक रिबन लगा होता है, ऊपर से फोर्स करता है और नीचे प्रिंटिंग होनी शुरू होती है। तो इसको अगर मैं टेक्निकल भाषा में दिखाऊं कि प्रिंटर के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे ये प्रिंटिंग होती है, तो आपको शायद और अच्छा हो, क्योंकि प्रिंटर का डॉट मैट्रिक्स जैसा कि मैंने बताया, इसका मेन काम ही है प्रिंटआउट्स बिंदी बिंदी करके निकालना। तो मैं आपको एक 3D डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे कि ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड,
मेरे पास एक फॉरेन ऑथर की बुक है और उस किताब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है डायग्राम्स वाइज, मैं उसी की मदद से आपको दिखाऊंगा। ये रही किताब और इसमें प्रिंटर्स के बारे में एक जगह पेज पे बहुत अच्छे से 3D डायग्राम में दिया हुआ है। एंड डायग्राम है ये रहा 280 पेज। ओके, तो देखिए ध्यान से, ये है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये रहा। अब आप लोगों को ये जो दिख रहा है ये अभी समझने में थोड़ा सा अलग लगेगा, मैं आपको सिर्फ हेड के बारे में बात कर रहा हूं। हेड का मतलब समझ रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा हेड है। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन एक्चुअली बहुत छोटा सा होता है, और इसके आगे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये छोटे छोटे इसमें कील लगे हुए हैं जिनको हम प्रिंटर पिंस कहते हैं। अगर आप लोग इस वाले हिस्से को बहुत ध्यान से देखें तो आपको नीचे की तरफ कुछ पिन प्रेस होती हुई दिखाई दे रही होगी। अब ये प्रिंटर काम कैसे करता है, इस प्रिंटर का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ये बिल्कुल इस तरीके से काम करता है जैसे कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल के रूप में, आपके पास पेन है, मैं आप थोड़ा सा आपको 3D फॉर्मेट में दिखाना चाहूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक सेकेंड, मैं आपको अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर रहा हूं तो आप लोग मुझे देख पाएंगे। ओके, लीव दैट, क्योंकि फ्रंट कैमरे में टाइम लगेगा मुझे। आप इस तरह समझिए, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि आपके पास ये सारे पेन है, स्केच पेन ले लीजिए, ये सारे स्केच पेन है जिनको आपने बिल्कुल पास पास करके रख दिया है ऐसे, और ये पेपर है, इसमें आपने क्या किया, सारे स्केच पेन जो पास पास करके रखे हैं एक स्केच पेन को थोड़ा सा आगे खिसका दिया यहां तक, ठीक, एक को पीछे से धक्का दे के थोड़ा आगे कर दिया, और इन सबको बंडल बना रखा है ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। अब अगर आप लोग टच करेंगे तो आप पाएंगे कि पेपर पर यहां पर एक छोटी सी बिंदी बन गई, सिर्फ एक बिंदी बनी है, पांच नहीं बनी है, जबकि आपके पेन पांच थे। क्लियर, क्यों एक बिंदी बनी, वो तो आपको सिंपल से पता चल रहा है कि ये पेन जो है पेपर को टच कर रहा है, अपना इंप्रेशन छोड़ रहा है, तो आगे एक डॉट बन रही है। इसी बीच अगर मेरे को मान लीजिए दो तीन डॉट्स बनानी थी तो मैं इन सभी स्केच पेन को आगे ऐसे खिसका लेता, अब अगर आप देखते तो यहाँ तीन डॉट्स बन जाते। तो हमें जैसी जरूरत है, हमें जैसी आकृति चाहिए, मान लीजिए हमें पी बनाना है तो पी में हमें इस तरह की आकृति चाहिए, आपकी डॉट्स वैसे ही अरेंज हो जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बिल्कुल वैसा ही काम करता, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में। तो जो जो चीजें हमें चाहिए, जैसे जैसे डॉट्स हमें चाहिए, सिंपल उसी तरह की पिंस आगे निकलती है और प्रिंट आउट करना शुरू करती है। अब मैं आपको इस फोटो में दिखाता हूं जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी। अब इस फोटो को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये रही हमारी फोटो, इसमें लगी है पिंस, और ये थोड़ी मोटी नहीं होती है, ये लगभग 24 पिन तक की रहती है। अब ये सारी पिंस आप देख रहे हैं ये इतनी घनी रहती हैं, और पीछे से जिस भी पिन को हमें प्रिंट करना होता है पिन के पीछे इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होता है जिससे वो पिन जो है आगे खिसकती है, और आगे खिसकने के बाद यहाँ पे रहता है हमारा रिबन। रिबन वही जो अभी मैंने आपको दिखाया था, एक कपड़ा, एक लंबा सा रेशा जिसके ऊपर इंक लगी रहती है, और जैसे ही रिबन पे वो प्रेशर देगा, जैसे मैंने आपको बताया पेन टच करता है पेपर को, वैसे ही पीछे देखिए डॉट्स टच होने लगे। लेकिन ये बहुत हाई स्पीड पे होता है और इसीलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे आवाज बहुत आती है। कभी आपने देखा हो प्रिंटिंग प्रेस वाले के यहाँ पर या फिर बैंक वगैरह में जब प्रिंट होता है तो बड़ी कर कर करके बड़ी आवाज आती है, क्योंकि वो प्रिंटर की जो पिंस होती हैं लगातार बाहर अंदर बाहर आगे अरेंज हो रही होती है, और ये पूरा का पूरा सर्किट जो है वो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। पहले ये वाले जो प्रिंटर्स थे ये LPT पोर्ट में आते थे, अब ये सारे प्रिंटर्स USB पोर्ट में आने लगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स कैसे काम करता है। ये है उसका इंटरनल डायग्राम जो अभी तक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस डायग्राम में ये पेपर है जो कि यहां से यहां फंसाया गया है, और ये वही हेड है जिसको आप 3D डायग्राम में अभी देख रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये डायग्राम जो है इसमें हेड है, और ये जो है ये आपका रिबन है जो यहां से यहां तक लगा हुआ है, ये रोटेट होता रहता है, यहीं से प्रेशर पड़ता है
और आपका बिंदियां बननी शुरू होती है। इसी बीच ये हेड यहां से यहां तक लगातार रोटेट करता रहता है, आगे पीछे जिगजैग करता रहता है और पेपर आगे खिसकता रहता है। तो आपको समझ आ गया कि इसे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इंपैक्ट क्यों कहते हैं। क्या ये पेपर ये हेड पेपर को बिना टच किए प्रिंट कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक उस पर इंप्रेशन ना पड़ेगा, छाप नहीं छूटेगी, तब तक वो प्रिंट बनेगा ही नहीं। इसीलिए इसको हम लोग एक प्रकार से इंपैक्ट कैटेगरीज में रखते हैं। तो पहला प्रिंटर आपको समझ आ गया, डीएमपी प्रिंटर को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डॉट का पूरा एक आव्यू तैयार करता है। इंपैक्ट में क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो हेड है वो पेपर को टच करके काम करता है, इस पर रिबन का इस्तेमाल होता है। अगले प्रिंटर में आते हैं बच्चों, ये भी आपका इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में है और इस प्रिंटर का नाम है डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए आपको यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई देगा। डेजी प्रिंटर पे ये जो आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहा है, ये डेजी प्रिंटर का स्पोक कहलाता है। एक प्रकार से समझ लीजिए एक छल्ला है और जिसके आखिरी हिस्से पे बहुत घने घने दांत बने हैं, इन्हें टीथ सी कहा जाता है, और ये भी उल्टे बने होते हैं। जैसे कि अगर पी है तो पी ऐसा बना होगा, अगर मान लीजिए कि एस है तो एस ऐसा बना होगा। क्यों ऐसा बना होगा? सिंपल सी चीज है, जैसे आप लोगों ने मोहर देखी होगी, स्टैम्प जिसे आप लोग पेपर पे लगाते हैं, पेपर स्टैम्प, उसमें भी देखा होगा सारे अक्षर उल्टे बने होते हैं, ताकि आप जब मोहर को अपने रबर पैड पे टच करें या फिर आप इंक को टच करके पेपर पे डालें, तो पेपर पे जैसे ही आप मोहर लगाएं वो सीधा हो जाता है। बिल्कुल सेम यही प्रिंसिपल इसमें भी है। अब अगर आप लोग इस पूरे स्पोक के पास में एक छोटा सा हैमर होता है, हैमर यानी हथौड़ा, और ये बहुत बारीक होता है, स्पोक अपनी दिशा में गोल गोल घूमता रहता है, जिस भी लाइन में या जिस भी वर्ड को प्रिंट करना है, खट से हैमर वहां पे जोर से मारता है, एक छोटी सी स्ट्राइक देता है और वो पिन वहां दबती है और पीछे रिबन होने के कारण पेपर पे वही छाप छूट जाता है। अगर पी वाली पिन दबी तो पीछे पी छप जाए और ये गोल गोल रोटेट होता रहता है। इस तरीके के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अगर आपको इस प्रिंटर का वाकई इस्तेमाल देखना है तो कभी आप लोग रेलवे स्टेशन में जाइएगा जहां पर वेट मेजरिंग मशीन है। पुराने समय पे देखी होगी, बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे अभी भी यूज होती है, जहां आप लोग अपना वेट मेजर करते हैं। तो वेट मेजरिंग मशीन पे आपने देखा होगा, जहां सिक्का डालते हैं, सिक्का अंदर जाता है, खड़बड़ खड़बड़ होता है, थोड़ी देर बाद अंदर से आप लोगों का वेट निकल कर आता है एक टोकन में। तो वेट मेजरिंग मशीन में ऐसा क्या होता है, उसमें भी अंदर यही लगा रहता है, दिखाते हैं आपको। ये वाला वेट लगाना था, वो वाला लगा दिया, ये रहा। तो इस तरह की मशीन्स आपने देखी होंगी। बेसिकली इसमें भी कुछ खास नहीं, अंदर एक पुली लगी रहती है, पुली जहां पर आपने वेट प्रेस किया, पुली रोटेट हुई और वो पर्टिकुलर जो अंदर स्पोक है वो उतना घूमता है। उसके हर हिस्से पर छोटे 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 बारीक टीथ्स होते हैं और टीथ्स पे वेट लिखा रहता है 10, 12, 13, 15। बस जहां पर आपने क्वाइन डाला, तुरंत आप लोगों का वो जोर से स्टैम्प होती है और उसके बाद वेट छपकर आ जाता है। तो ये है आप लोगों का डेजी व्हील प्रिंटर। मैं आपको इसके और भी कुछ अच्छे एग्जांपल्स दिखा देता हूं तो आपको और अच्छा लगेगा, डेजी व्हील तुरंत समझ आ जाएगा। ये देखिए स्क्रीन पर खूब सारे डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं, और अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो आपको ये प्रिंटर्स, ये वाला बहुत ही बेस्ट फोटो है जिसमें आपको पूरा डिटेल में दिखाई दे रहा होगा डेजी व्हील प्रिंटर। इस डेजी व्हील प्रिंटर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, जिससे कि आपका ये लेफ्ट राइट मूव हो रहा है, ये स्पोक है जो लगातार रोटेट हो रहा है और पीछे पेपर पे प्रिंट होता चला जा रहा है। तो बच्चों ये है आप, अब इसमें भी वही कंसेप्ट, पेपर को टच नहीं करेगा तो कैसे प्रिंट करेगा, इसीलिए इसको हम लोग इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रिंटर। थर्ड प्रिंटर पे हमारे पास है और उसका नाम है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर पे भी बिल्कुल वही कंसेप्ट पड़ता है जो डेजी व्हील पर है, लेकिन लाइन प्रिंटर में एक अच्छी चीज ये होती है कि लाइन प्रिंटर के अंदर पूरी लाइन एक साथ प्रिंट हो सकती है। इसमें भी हमारे पास आते हैं कई ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर के ही एग्जांपल हैं। और लाइन प्रिंटर अब यूज नहीं होता, ना ही डेजी व्हील भी यूज होता है, ये सब आउटडेटेड हो गए, खत्म हो गए मार्केट से। अब तो डीएमपी यूज होता है या लेजर या इंकजेट, बस। लाइन प्रिंटर के अंदर जो ड्रम प्रिंटर्स आप देख रहे हैं या चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर देख रहे हैं, इनको नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि
ये पूरी की पूरी लाइन लिखने में समर्थक होते हैं। अब आप इसे समझिए ये कैसे प्रिंट करता हूं। ये बिल्कुल उसी तरह समझिए जैसे आपकी साइकिल की चेन होती है, तो साइकिल का ये स्पोक होता है और चेन इसी के चारों तरफ रोटेट करती रहती है। लाइन प्रिंटर भी कुछ ऐसा ही काम करता है। इसमें जो चेन होती है वो चेन के आखिरी हिस्से में यानी कि सभी हिस्सों में ए बी सी वैसे ही छपा होता है। उल्टा जो चीज प्रिंट करनी है चेन वैसे रोटेट होगी, यहां हैमर लगा है, हैमर प्रेस करेगा और पीछे पेपर पे छाप छुड़ जाए। अब जाहिर है कि ये जो चेन है ये रोटेट होती रहती है लगातार, लेकिन इन सब में एक ड्रॉबैक है बच्चों। ड्रॉबैक ये है कि अगर आप कहें कि मेरे को पी का बड़ा साइज प्रिंट करना है तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस चेन पर जो आकृति उभरी है वो उसी साइज को ही प्रिंट करेगी। अगर आप कहें कि मेरे को कलरफुल प्रिंट करना है तो कलरफुल भी नहीं प्रिंट कर सकते, क्योंकि जो रिबन आपको पीछे है वो ब्लैक कलर का ही होता है या कहीं कहीं पे ब्लू कलर का रिबन मिल जाता है, तो आप इसे कलरफुल तो प्रिंट कर ही नहीं सकते। इसी में एक और है हमारे पास जिसको हम लोग ड्रम प्रिंटर्स कहते हैं, ये रहे। और ड्रम प्रिंटर की खासियत क्या होती है? ड्रम प्रिंटर की खासियत ये होती है कि इसमें एक ये बड़ा सा ड्रम लगा होता है जिसे हम लोग बेलन भी कह सकते हैं। इसको बिल्कुल इस तरह समझिए जैसे हमारे आप लोगों के घर में रोटी बनाने वाला बेलन होता है, बस उसमें साइड में ये लगा होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स होते हैं जिन्हें हम बैंगल्स कहते हैं, चूड़ियां, और हर चूड़ी पर ए बी सी डी ई पूरा का पूरा अल्फाबेट्स बना होता है, यहां तक कि हिंदी के करेक्टर्स भी, और वो भी सब उल्टे, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ये सीधे हैं लेकिन एक्चुअली वो उल्टे ही होते हैं। अब अगर आपको जो भी चीज प्रिंट करानी है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप जैसे ही प्रिंट कमांड देते हैं प्रिंटर क्या करता है उसको अरेंज करता है, इधर वाला बैंगल घुमा यहाँ टी आ गया, इधर वाला बैंगल घुमा यहाँ एच आ गया, इधर वाला बैंगल घुमा यहाँ ई आ गया, फिर एक स्पेस के लिए भी, और ये जब पूरी लाइन अरेंज हो जाती है तो ऊपर से बैंगल पेपर पे छाप छोड़ देता है, एक बार आके ऊपर से धड़ाम से गिरता है पेपर पे और पेपर पे पूरा छप जाता है टी एच ई। ये पूरा एक साथ छाप सकता है पूरी लाइन, इसीलिए इसको हम लोग लाइन प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि ये पूरी लाइन लिख सकता है एक साथ। तो ये सभी प्रिंटर्स जो आपने देखे, भले वो डॉट मैट्रिक्स हो, भले वो डेजी व्हील हो या भले वो लाइन प्रिंटर्स हो, ये सभी के सभी प्रिंटर्स इंपैक्ट कैटेगरीज के। इंपैक्ट क्यों मैं बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि ये सभी प्रिंटर्स में आप लोगों का जो प्रिंटिंग हेड है वो पेपर को टच कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इंपैक्ट प्रिंटर्स में नाम रखते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स आज की डेट के सबसे डिमांडिंग प्रिंटर्स में से आपने देखे भी होंगे, मार्केट में खूब सारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स, जैसे कि आपने इंकजेट प्रिंटर का नाम सुना होगा, आप लोगों ने लेजर प्रिंटर का नाम सुना होगा, ये सब नॉन इंपैक्ट में। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि इन सभी प्रिंटर्स में आप लोगों को पेपर को छूना नहीं होता, बिना छुए दूर से स्प्रे करता है। अगर मैं आपको प्रिंटर्स में दिखाऊं तो कितने सारे प्रिंटर्स दिखाई देंगे, देखिए कितने सारे प्रिंटर्स हैं, और अगर मैं आपको इसमें नॉन इंपैक्ट, मैक्सिमम आपको सारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स ही मिलेंगे क्योंकि इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। प्रिंटर क्लासिफिकेशन का देखते हैं, अगर कोई एक बढ़िया डायग्राम मिल जाए तो आपको समझाने में आसानी होगी। लीजिए मिल भी गया, ये है आपके काम का डायग्राम। जब भी क्वेश्चन आए बच्चों, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप लोगों को इस डायग्राम को बड़ा सा बना देना होगा। ये रहा प्रिंटर्स इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में। इंपैक्ट में भी डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट में इंकजेट, इसका दूसरा नाम डेस्कजेट भी होता है या फिर कहीं कहीं पे बबल जेट भी कहते हैं। और उसके बाद फिर यहां पर एक तीसरा और आ जाएगा जिसे कि हम लोग कहते हैं थर्मल प्रिंट। इसी बीच रिम्मी पॉल ने हमसे सवाल पूछा है कि बड़े बड़े बैनर्स कैसे छपते हैं। बच्चों बड़े बैनर्स इन प्रिंटर से नहीं छपते, बड़े बैनर्स जो छपते हैं उनके लिए होता है प्लॉटर्स, वो प्रिंटर की टेक्निक पे काम करता है। प्लॉटर्स थोड़ा अलग है और उसमें भी प्रिंसिपल वही होगा, दिखा रहा हूं अभी आपको, ये भी दिखाऊंगा कि प्लॉटर्स में कैसा काम होता है, प्लॉटर्स किस तरीके से छाप सकता है। इसमें भी प्रिंटर ही कैटेगरीज होता है लेकिन ये पूरा का पूरा इंकजेट प्रिंटर की टेक्निक यूज करता है। अब इंकजेट प्रिंटर क्या है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये है इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर होती है इंक की बॉटल्स,
जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये इंकजेट प्रिंटर है, इसके अंदर कलरफुल बॉटल्स दिख रही हैं। इनमें चार कलर्स होते हैं और इन चार कलर्स का नाम होता है CMYK, शान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये चार कलर्स होते हैं। शान कलर्स ये ब्लू वाला है, मेजेंटा थोड़ा सा रेडिश पिंक फाइव में होता है, और येलो येलो है, और ब्लैक का मतलब आपको पता ही है, ब्लैक है। तो ये चार अलग अलग कैटेगरीज या चार टाइप के कलर्स होते हैं। इन चार कलर्स के कॉम्बिनेशन से ही आपके 300 से ज्यादा कलर्स तैयार कर देता है। कैसे ये कैटेगरीज करता है, कैसे कलर्स को मिक्स करता है, चलिए इसका प्रिंसिपल समझते हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम है आपके इंकजेट प्रिंटर का। इंकजेट इसको नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज इसमें इंक का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ आप लोगों को जेट क्यों नाम दिया गया है, जेट काम ही है इसका, जेट का मतलब है फास्ट स्पीड, बहुत तेज रफ्तार से प्रिंट करने वाला। अब ये इंकजेट प्रिंटर में अगर आप गौर करें तो यहां पर ये पेपर आपको दिख रहा होगा, पेपर यहां से फीड हो रहा है, ये वही वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसमें कि आप लोगों के सारे कलर्स थे, जिसे कलर बॉटल या फिर कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं कलर कार्टिलेज, ये होता है, इसके अंदर वही कलर बॉटल्स रहती हैं। अब इन कलर बॉटल्स को, कलर कार्टिलेज जो है, इसमें ये लगातार यहां से यहां तक मूव करती रहती है। इन कलर कार्टिलेज के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक बहुत ही बारीक छेद होता है, और उस छेद को कहते हैं नोजल। इतना बारीक कि आपकी सुई भी नहीं उसमें टच हो सकती, बहुत ही माइन्यूट सा होता है। अब जब कभी कोई चीज प्रिंट करनी है, जैसे मान लीजिए कि आपको पिंक कलर में कोई बैनर प्रिंट करना है या कुछ भी प्रिंट करना है, तो वो पर्टिकुलर इंक सर्किट के थ्रू रिसती है और रिसकर एक छोटी सी बूंद बनाती है, और वही बूंद आकर यहां गिरती है। इसीलिए इसको हम लोग छोटे छोटे बूंदे जो है वही कॉम्बिनेशन मिल मिलकर तैयार होती है। अब मान लीजिए आपने कहा हमें ब्राउन कलर चाहिए, तो ब्राउन कलर तो कार्टेज में होता नहीं, ये करता क्या है, दो कार्टेज का कॉम्बिनेशन कर लेता है, दो कार्टेज मिक्स कर देता है, यानी कि ऊपर से जब इंक रिसेगी तो थोड़ा सा आपका रेड गिरेगा, या नीचे थोड़ा सा, जब ऊपर से इंक नीचे गिर रही होगी तो रेड वाली कार्टेज से भी थोड़ी सी रिसेगी और ऊपर से ही ब्लैक वाले में भी रिसेगी, तो जब नीचे गिरेगी एक ही जगह पे दोनों बूंदे गिरेंगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको ब्राउन शेड पे दिखने लगेगा, बिकॉज आपको पता है हल्का सा आप लोगों का रेड एंड ब्लैक मिला दें तो ब्राउन बन जाता है। इस प्रिंसिपल पर वो पूरा काम करता है। सोचिए एक एक बूंद गिराता है कितनी तेजी से काम करता होगा। इसको आप लोग यूज भी कर चुके हैं, कैसे, जब कभी आप लोगों ने तुरंत फोटो खिंचवाई होगी किसी भी जगह से, आप लोगों ने कभी कभार हो गया कि तुरंत फोटोज ली होगी कहीं पे झटपट वाली जो 20 रुपए की चार या समथिंग खींचती है, तो वहां पर कुछ अलग टेक्निक यूज नहीं करते वो लोग, कैमरे से फोटो खींची, प्रिंट आउट निकाल लिया और आपको दे दिया, बस सिंपल सा तरीका है प्रिंटिंग का। लेकिन कभी आप उस प्रिंटआउट का बारीक से देखिए, चेहरे के पास में आपको बिंदिया 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 दिखाई देंगी। इसीलिए इस प्रिंटर की क्वालिटी जो है वो DPI में नापी जाती है, डॉट पर इंचेस। आप जितना ज्यादा हाई क्वालिटी का प्रिंटर लेंगे, जितनी ज्यादा डॉट्स होंगी उतनी ही बढ़िया क्वालिटी के प्रिंटआउट्स निकलेंगे। तो जब कभी आप कोई चीज प्रिंट कराने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि चलिए हमें कुछ प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराते समय जब आप लोग कुछ भी बनाते हैं, डिजाइन करते हैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वर्ड में कुछ डिजाइन कर लिया, और डिजाइन करने के बाद मैं जब इसको प्रिंट कमांड कंट्रोल पी से देता हूं तो मेरे सामने प्रिंटिंग की स्क्रीन खुलती है, और यहाँ पे प्रिंटर मेरा दिखाता है, इसी के आगे प्रॉपर्टीज दिखाता है। अगर मैं इसे टच करता हूं तो यहाँ प्रिंटिंग क्वालिटी लिखी रहती है, इस पे दिखाता है कि आपको प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी चाहिए। आपको दिख रहा होगा अगर 1200 DPI में चाहिए या 600 DPI, जाहिर है 600 DPI में बिंदियां कम होंगी और इसीलिए प्रिंटिंग क्वालिटी कम हो जाएगी, हल्का हल्का प्रिंट करेगा। 1200 DPI में बहुत अच्छा है, आजकल के तो प्रिंटर 2500 DPI तक बड़े आराम से प्रिंट कर देते हैं। ये है आपका प्रिंटर इंकजेट। सेम प्रिंसिपल आप लोगों के इस पर भी लागू होता है, जो कि आप देख रहे हैं प्लॉटर। प्लॉटर में भी वैसे ही इंक की बड़ी बड़ी बॉटलें होती है। अगर आप लोगों को मैं प्लॉटर की इंक दिखा पाऊं, कहीं ना कहीं तो लगी ही होगी, देखिए ये रही, आप देख पा रहे होंगे ये प्लॉटर है। इसमें फ्लक्स बोर्ड बनते हैं, जो दीवार आप लोगों ने देखा होगा रोड के साइड में बड़े बड़े बैनर नेताजी और समथिंग के रहते हैं,
और इससे भी वही फ्लक्स की प्रिंटिंग होती है, और यही है वही प्रिंटआउट करने के लिए जो आपको इंक कार्टेज यूज की जाती है। इसमें इंक कार्टेज बड़ी होती है, तभी प्लॉटर कभी कभार आप लोगों का फ्लक्स प्रिंटिंग होती है उस समय गीली इंक होती है हमेशा, क्योंकि इंक है ना तो गीली ही होगी, इसको थोड़ा सुखाना पड़ता है और उसके बाद फिर आपका प्रिंटआउट निकल के परफेक्ट होता है। तो क्या ये इंक की बॉटल से जो इंक रिस रही है, क्या ये पेपर को टच कर रही होगी? बिल्कुल नहीं, टच करेगा तो फिर प्रिंट कैसे होगा, ये दूर से स्प्रे हो रही है। और इसी कार्ड से हम लोग इसको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की श्रेणी में रखते हैं। एक और प्रिंटर हमारे पास है थर्मल प्रिंटर, इसका नाम थर्मल है। ये आप लोगों ने एटीएम मशीन में देखे होंगे, और कहीं कहीं पर आप लोगों ने, हो सकता है कि आप लोगों ने एटीएम मशीन के साथ साथ कहीं कहीं पर और भी देखे होंगे, जैसे कि मैंने देखा था पहले पीसीओ वगैरह में लगे रहते थे। इसमें क्या होता है, इसकी क्या तकनीक है, कैसे प्रिंट करता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। बच्चों मैं एक बार क्लास ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग फिर से ऑन करिए, बिकॉज हमारा टाइम फिनिश हुआ है और उसके बाद हमारे पास 40 मिनट का फिर से लैप होगा। तो क्लास 30 सेकंड या 5 सेकंड के लिए ऑफ होगी, आप लोग फिर से लॉग इन करिए उसी मेथड से विद इन अ सेकंड। शुरू करते हैं।